नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील धारचूला के दूरस्थ सोसा गांव निवासी युवा संदीप सिंह ने यूपीएससी में 906वीं रैंक हासिल की है, जिसको लेकर क्षेत्र में खुशी व्याप्त है। सफल संदीप सिंह ने बताया कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले को अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। बता दें कि संदीप सिंह के पिता अरविंद सिंह को और कोविड से पूर्व भारत तिब्बत व्यापारी थे। व्यापार बंद होने के बाद वे राशन की दुकान चलाते हैं। माता सुनीता देवी गृहिणी हैं। संदीप पांच भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके गांव पहुंचने पर वहां एक कार्यक्रम का आयोजन कर संदीप सहित उनके पिता अरविंद सिंह कुंवर, माता सुनीता कुंवर, ताऊ भरत सिंह, ताई दमयंती देवी सहित अन्य परिवार सदस्यों को क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं देते हुए भव्य स्वागत किया। इस मौके पर संदीप सिंह ने कहा कि आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम संदीप सिंह कुंवर है। मैं सोसा गांव धारचूला तहसील जिला पिथौरागढ़ से बात कर रहा हूँ। मैंने इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसमें मेरा 906 रैंक आया है और ये मेरा छठा अटेम्प्ट था और जिसमें मेरे को सफलता मिली है। और बाकी मैं कहना चाहूंगा कि सफलता के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, हमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ हमारे माँ बाप का कंट्रीब्यूशन, हमारे भाई लोगों का कंट्रीब्यूशन, हमारे परिवारजनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बाकी मैं अभी यूथ से मैं यही अपील करूँगा कि आप कोई भी हमेशा जो है बड़े सपने देखें और उन बड़े सपनों के लिए आप एकदम मेहनत कीजिए, थोड़ा तपिए, थोड़ा त्याग कीजिए और अल्टीमेटली कभी ना कभी थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको सफलता जरूर मिलेगी। पिथौरागढ़ के बेरीनाग निवासी 10वीं की छात्रा प्रियांशी रावत ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया, जिसको लेकर प्रियांशी की सफलता पर लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व काबीना मंत्री, डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल भी प्रियांशी के घर पहुंचकर प्रियांशी और उसके माता पिता को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रियांशी ने इतिहास रचकर प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने शीघ्र सरकार के द्वारा भी सम्मानित करने की बात कही। इससे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक तरुण पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने भी प्रियांशु को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हाईस्कूल बोर्ड की जो परीक्षा में 500 में से 500 अंक पहला अंक प्राप्त करके उत्तराखंड का जो इतिहास रचा है, इसके लिए प्रियांशु रावत को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस साथ में उनके परिवार के माता पिता को भी बधाई देता हूँ, गुरुजनों को भी बधाई देता हूँ। आपने क्योंकि एक इतिहास रचा, उत्तराखंड का एक इतिहास रचा, इसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड का जो आपने नाम रोशन किया, जनपद पिथौरागढ़ का भी नाम रोशन किया, मेरी आपसे शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो प्रतिभा है, वह प्रतिभा जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो, उस क्षेत्र में काम करने का आपको अवसर मिलेगा, वहाँ भी आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, यही मेरी शुभकामनाएं। असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ का सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता ग्रहण करने व अधिक जानकारी के लिए पदाधिकारियों व कार्यालय से संपर्क करें। धन्यवाद। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। दार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। जंगल की आग की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई, तो वही 2 घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग विकासखंड के सियुनरा कोट में बीते शाम जंगल की आग की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 पूरी तरह झुलस गए, जिन्हें बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये सभी मजदूर नेपाल मूल के बताए जा रहे हैं,
जो लीसा निकालने के लिए जंगल गए थे। इसी दौरान जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। चारों मजदूर आग की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे मजदूर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना से वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग के TFO दीपक सिंह ने बताया कि इस आग की चपेट में आए दो नेपाली मजदूरों की मौत हो गई है और अन्य घायलों का उपचार जारी है। DFO ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद के हवाल बाग ब्लॉक में सुनराकोट बंद पंचायत के अंतर्गत आज एक बनागने की घटना हुई, जिसमें आग बुझाने के चपेट में चार नेपाली मजदूर आग के इसमें चपेट में आ गए, जिसमें वो काफी बुरी तरीके से झुलस गए। इसमें दो लोगों की डेथ हो गई है और दो लोग घायल हैं, जिनको बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है और वो आउट ऑफ डेंजर हैं। डेड बॉडी को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर PM के लिए भेज दी है और इस पूरी घटना के खिलाफ जो है वन विभाग के द्वारा एक H2 केस भी दर्ज किया गया है और पुलिस के द्वारा भी एक FIR दर्ज की गई है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।